हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र और आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ। और आज की वीडियो फ्रेंड्स कुछ स्पेशल होने वाली है। और ये आप देख रहे हो मीटर है, तो इसको हम अपग्रेड करने वाले हैं और ऑटोमेटिक बनाने वाले हैं। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि यहाँ पर अगर हम इसको ऑन कर देते हैं तो ये हमेशा ऑन ही रहता है, ऑटोमेटिकली ऑफ नहीं होता है। और जो ऑटोमेटिक ऑफ होता है, ऑटो कट ऑफ होता है फ्रेंड्स, वो जो हमारे मीटर होते हैं बहुत ही महंगे आते हैं, 1000-2000 रुपये के आते हैं। और ये सिंपल 150-200 रुपये का आता है। तो इसमें कोई भी फ्रेंड्स फीचर्स नहीं है ऑटोमेटिक का। और फ्रेंड्स अगर ये हमारा ऑटोमेटिक नहीं होता है तो आपने कभी देखा होगा कि हम जब काम करते हैं और इसको यहीं पे छोड़ देते हैं तो फ्रेंड्स इसकी जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम आपने भी फेस की होगी, मैंने भी की है। तो मुझे लगता है कि इसका एक सोल्यूशन होना चाहिए, तो वही सोल्यूशन आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो लास्ट तक देखें और ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और फ्रेंड्स इसके लिए एक सर्किट बनाने वाला हूँ जो कि इसको ऑटो ऑफ होगा ये, और वो हम इसी में ही इनबिल्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स बने रहे वीडियो में, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं वीडियो में और फ्रेंड्स बनाते हैं इसके लिए एक सर्किट। तो वो सर्किट कैसे बनता है वो फ्रेंड्स मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा डायग्राम है और इस पे फ्रेंड्स मैंने एक वीडियो बनाई थी जो टाइमर की वीडियो थी, जो आप आई बटन पे मैं आपको दे देता हूँ उसकी लिंक। तो आप इसका जो डायग्राम है उससे मैंने वीडियो बनाई थी, तो वो आप देख सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो सर्किट है ये हमारा टाइमर का है। तो यही जो सर्किट है उसको यूज़ करके हम हमारे जो मल्टीमीटर है उसमें एक टाइमर लगाएंगे, जो कि कुछ मिनट का या कुछ आप 1 मिनट का, 2 मिनट का या 3 मिनट का, जितना भी आप सेट कर सकते हो आप सेट करके वो टाइमिंग पे ही वो जो हमारा मीटर है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और वन स्विच से ही फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक स्विच है, तो वही एक स्विच से ही हमारा जो मीटर है वो चालू हो जाएगा। और ये टाइमर है तो ऑटोमेटिक 2 मिनट के बाद में हमारा जो मीटर है वो बंद हो जाएगा। 2 मिनट या 3 मिनट वो आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हो। तो वो चीज़ फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं। इस ये फ्रेंड जो हमारा टाइमर का लास्ट जो हमने ये सर्किट बनाया था, और इसी फ्रेंड सर्किट में हमें एक ट्रांजिस्टर ऐड डाउन करना है। ट्रांजिस्टर ऐड डाउन करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ मैं एक ट्रांजिस्टर बना देता हूँ। थोड़ा सा जगह कम है तो मैं यहीं पर ही बना रहा हूँ, जिससे आपको समझने में इजी रहेगा। यहाँ बनाऊँगा तो समझने में इजी नहीं रहेगा, तो यहीं इसके आगे एक मैं ट्रांजिस्टर बना देता हूँ। तो यहाँ एक ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर फ्रेंड्स NPN ट्रांजिस्टर है। तो NPN ट्रांजिस्टर का ये अमीटर हो गया फ्रेंड्स, और ये कलेक्टर हो गया, और ये हमारा जो है बेस हो गया। तो फ्रेंड्स ये जो 3 टर्मिनल है, और यहाँ फ्रेंड्स आप कोई सा भी ट्रांजिस्टर ले सकते हो। जनरल पर्पस ट्रांजिस्टर है जो कि 547 है वो ले लो, 222 4x2 आते हैं वो ले लो, कोई सा भी ट्रांजिस्टर यहाँ पर ले सकते हो। बट बस ये है कि वो होना चाहिए NPN ट्रांजिस्टर, यानी कि ये वाला होना चाहिए, वो होना चाहिए NPN ट्रांजिस्टर फ्रेंड्स, NPN ट्रांजिस्टर होना चाहिए। तो यहाँ का जो फ्रेंड्स ये है, ये वाला है, ये टर्मिनल यानी कि अमीटर जो है वो हमारे ग्राउंड से मिल जाएगा। और इसके बाद में फ्रेंड्स जो ये हमारा मीटर है, जो मैंने इसको खोल के आपको देख सामने इसको मैंने खोल दिया है, तो यहाँ के फ्रेंड्स आप देख सकते हो जो ये जो प्लस माइनस के दो जो वायर है जहाँ पर इनपुट हो रहे हैं यहाँ पर, तो ये फ्रेंड्स ये जो मीटर का प्लस है और ये मीटर का माइनस है। तो प्लस माइनस का है तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो मीटर लगाना है वो कैसे लगाना है, ये थोड़ा मैं साइड से वो हटा देता हूँ। तो यहाँ आप फ्रेंड्स एक ये जो प्लस है वो ये एक आ गया यहाँ पर, और जो यहाँ है वो ये वाला, तो ये कुछ इस टाइप से रहेगा। तो फ्रेंड्स जो हमारी बैटरी रहेगी ना, बैटरी बैटरी तो फ्रेंड्स हमारी ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड में और यहाँ प्लस, यानी कि यहाँ पॉजिटिव और यहाँ माइनस नेगेटिव। तो यहाँ फ्रेंड्स जो हमारा प्लस लगेगा और नेगेटिव लगेगा। और जो मीटर में फ्रेंड्स जो मीटर है, मीटर में जो है तार जो है वायर है वो यहाँ लगेंगे, तो यहाँ ये हमारा
पॉजिटिव लग जाएगा, यानी कि पॉजिटिव यहाँ लग जाएगा इसके पॉजिटिव से, और जो नेगेटिव है फ्रेंड्स जो ट्रांजिस्टर जो है इसके थ्रू जाके यहाँ लगेगा। अब होगा क्या फ्रेंड्स कि हमारा जो ये टाइमर है वो टाइमर फ्रेंड्स जो टाइम पे हमने सेट किया है उसी टाइम पे फ्रेंड्स ये जो सर्किट है यहाँ पर बेस जो आएगा ये बेस 3 नंबर से हमारा जो बेस है वह यहाँ पर टच हो जाएगा। तो अब फ्रेंड्स ये है तो ये जो आउटपुट रहेगा वो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट के लिए रहता है। तो क्या होगा फ्रेंड जब हमारा सर्किट पे 3 नंबर पे हमारा जो सिग्नल आता रहेगा तो हमारा जो ये ट्रांजिस्टर है ऑन रहेगा, और ऑन रहने पर फ्रेंड्स हमारा जो ये मीटर है वो भी ऑन रहेगा। लेकिन जैसे ही हमारा जो टाइमर है टाइमर में टाइम ख़त्म होने पर ये जो हमारा आउटपुट है वो हो जाएगा कैंसिल, और कैंसिल होने पर बेस पे जो हमारा सिग्नल आ रहा था वो हो जाएगा कैंसिल, और सिग्नल कैंसिल होते ही फ्रेंड जो ट्रांजिस्टर है वो हो जाएगा ऑफ, और ऑफ होने पर फ्रेंड जो हमारा मीटर है वो भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली ऑफ। तो इस टाइप से हमारा जो ये है सर्किट काम करेगा फ्रेंड्स। तो आप इसको 20 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए आप सेट कर सकते हो। और जो इसके लिए मैंने ये जो सर्किट है वो मैंने रेडी किया है फ्रेंड्स यहाँ पर, और ये सर्किट फ्रेंड्स मैं आपको ब्रेड बोर्ड पर नेक्स्ट वीडियो में बना के दिखाऊँगा कि ब्रेड बोर्ड पर ये मैंने कैसे फ्रेंड्स ये जो सर्किट है आप देख सकते हो ये मैंने बहुत ही छोटे बोर्ड पे मैंने इसको मैनेज किया है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हो यहाँ हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं है तो सेट करने के लिए। तो SMD होता तो फ्रेंड्स और भी छोटा बन जाता, बट हमारे पास SMD नहीं है तो यहीं हमने मैनेज किया है। तो चाहो तो फ्रेंड्स इसको यहाँ भी एडजस्ट कर सकते हो, हम यहाँ पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हो यहाँ भी बहुत आसानी से ये आ गया और ऊपर वाले कवर से ये कवर हो जाएगा। तो आप चाहो तो यहाँ भी कर सकते हैं इसको, और हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकता है ये पूरा कवर। तो फ्रेंड्स हमने ये सर्किट को बना लिया है, और अब इसकी जो कनेक्शन है वो करते हैं। ये जो दो वायर हैं फ्रेंड्स जो मैंने पुश बटन के लिए निकाले हैं इसमें मैंने अभी बैटरी के कनेक्शन नहीं किए हैं, तो इसके बैटरी के कनेक्शन करता हूँ, और दो आउटपुट निकालने हैं तो उसके लिए मैंने ये दो वायर ले लिए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा जो पॉजिटिव है जैसा कि आप देख सकते हो पॉजिटिव तो पॉजिटिव में ही रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पर, तो हम एक पॉजिटिव से वायर ले लेते हैं, और जो हमारी ये जो टाइमर है जो तो टाइमर पे भी हम एक पॉजिटिव को यहाँ लगा देते हैं। तो पॉजिटिव का हटाने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये जो नेगेटिव है उसका हटाने की ज़रूरत है। तो मैं ये नेगेटिव का जो है वायर हटा देता हूँ फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स हमने यहाँ पर माइनस का जो है ये निकाल दिया है, और पॉजिटिव का है वो हमारा एज इट इज़ की एज इट इज़ है। और फ्रेंड्स अब हम इसमें हमारा जो पॉजिटिव है आप देख सकते हो पॉजिटिव 4 नंबर या 8 नंबर पे हमें पॉजिटिव लेना है। तो 4 और 8 फ्रेंड्स, तो हमारी ये कोने पे ये है ये जो वाली है यहाँ पर हमें पॉजिटिव लेना है, और यहाँ आप सकते हो ये 1 नंबर है तो 1 नंबर है, तो हमारे जो चिट बटन का है यहाँ पर भी 1 नंबर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा जो है ये जो ट्रांजिस्टर है इसके कनेक्शन अभी मैंने नहीं किए हैं, इसके कनेक्शन में कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये मैंने 4x2A ये हमने PNP ट्रांजिस्टर लिया है। तो इसका जो सेंटर वाली पिन है ये बेस है, और फर्स्ट है ये एमीटर है, और ये कलेक्टर है। तो फ्रेंड्स ये जो फर्स्ट नंबर पिन है और फर्स्ट नंबर पिन देख सकते हो मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया हुआ है आप देख सकते हो, और जो थर्ड नंबर है उसको भी मैंने कहीं पर भी कनेक्ट नहीं किया है, और जो सेंटर की पिन है उसको मैंने IC के 3 नंबर पे यहाँ पर जोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स ये जो फर्स्ट नंबर पिन है वो अमीटर पे है, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया था जो ये अमीटर है वो हमारी ग्राउंड पे लग जाएगा, और ये है वो फर्स्ट नंबर पे लग जाएगा। तो ये जो वाली पिन है इसको हम फर्स्ट वाली पिन है यहीं पर ही लगा देंगे इस पर, और फर्स्ट वाली पिन पर ही फ्रेंड्स हमारा ये जो वायर जा रहा है यहाँ पर ये पुश बटन का लगाया हुआ है आप देख सकते हो। तो जो ये सर्किट है फ्रेंड्स, ये सर्किट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको
पूरा बना के दिखाऊंगा ब्रेड बोर्ड पे। और अगर आपको समझ में नहीं आता है, अगर वैसे मैंने यहाँ पर इसका सर्किट डायग्राम है ये मैंने आपको दे दिया है। अगर आपको फ्रेंड्स ये सर्किट डायग्राम से अगर आप सर्किट नहीं बना पाते हो तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सर्किट डायग्राम से आपको ब्रेड बोर्ड पर ये जो सर्किट है बना के दिखाऊंगा। वहाँ आप इसके कनेक्शन भी देख सकते हो और ये जो है ये आप देख सकते हो कि मैंने कैसे बनाया है। तो ये वाला हमारा जो है आप देख सकते हो, ये हमारा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसकी। तो ये मैं कनेक्शन कर देता हूँ फ्रेंड्स इसके। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने जो सिंगल वायर जो ये वाला वायर है वो बैटरी का जो है वो हमारे बोर्ड पे भी आ रहा है और हमारे जो हमारा टाइमर है उस पे भी आ रहा है। आप देख सकते हो जो है हमारा मीटर पे भी जा रहा है और बोर्ड पे भी। तो यहाँ पर मैंने ये वायर है जो लगा दिया है और एक वायर जो है वो एक नंबर जो है ये आप देख सकते हो एक नंबर जो वायर है वो हमारे यहाँ पर बैटरी पर लग जाएगा। अब बैटरी पर लगते ही फ्रेंड्स हमारा जो है यहाँ पर ये जो है आई सी है वो काम करने लग जाएगी। यहाँ है, यहाँ पर से एक वायर लेंगे जिसो जो इसके जो हमारा ट्रांजिस्टर है ट्रांजिस्टर का इस वाले पॉइंट पे लगेगा। यानी कि आप देख सकते हो ये कलेक्टर है, कलेक्टर पे हमारा एक लगेगा जो कि बोर्ड का माइनस है। तो वो मैं आपको लगा देता हूँ ये आपके सामने। ये वायर लिया है, यहाँ मैं इसको ये आप देख सकते हो यहाँ मैंने माइनस पे लगा दिया है और इतना ही वायर मैं इसको कट करके यहाँ लगा देता हूँ फ्रेंड्स। और अब फ्रेंड्स हम ये जो बैटरी का है वो हम यहाँ पर टाइमर में दे देते हैं कनेक्शन। इसको मैं जोड़ देता हूँ, तो ये हम ले लेते हैं स्लीव लेते हैं और यहाँ इसको यहाँ हमारे फ्रेंड्स कनेक्शन हो गए हैं और यहाँ पर बस एक स्विच लगाना है। और आप देख सकते हो फ्रेंड्स अभी हमारा स्विच ऑन नहीं है। तो अब यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो ये ऑन नहीं हो रहा है। और जैसे ही फ्रेंड्स हम हमारा जो ये है यहाँ पर अगर हम स्विच ऑन करते हैं यहाँ पर मैं ये आप देख सकते हो और हमारा जो मीटर है ऑन हो गया है। और फ्रेंड्स कुछ टाइम बाद ही ये जो है बंद हो जाएगा। तो वेट करते हैं फ्रेंड्स इसके बंद होने का। और वीडियो फ्रेंड्स अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम इस ये जो वाइट वाइट सा आप देख रहे हो डिस्प्ले तो यहाँ हटा के इसमें लाइट भी लगा सकते हैं, तो ये लाइट भी लग सकती है इसमें। तो फ्रेंड्स मेरे को लाइट की नीड नहीं होती है तो मैं इसमें लाइट नहीं लगा रहा, पर लेकिन फ्रेंड्स ये जो टाइमर है इसकी नीड बहुत होती है। और आप देख सकते हो फ्रेंड्स ये ऑटोमेटिकली हमारा जो है बंद हो गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो है ये आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 100K का यहाँ पर लगाया हुआ है। यहाँ पर जो आर है ये जो आर दिख रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर यहाँ मैंने 100 का लगाया है, वेरिएबल रजिस्टर जो है यहाँ लगाया है 100 का। और ये 10 का ही लगाया है फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 100 का लगाया है। और 100K में आप देख सकते हो हाफ़ में किया हुआ है, तो हाफ़ में एटलीस्ट एक मिनट ले रहा है, फुल कर देंगे तो 2 मिनट का ये टाइमिंग रहेगा इसमें। और यहाँ 100 की जगह अगर आप 500 का लोगे तो टाइमिंग और बढ़ जाएगी। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स इतना ही काफ़ी है। तो मैं इसका स्विच लगाता हूँ, इसका कनेक्शन करता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ मैंने ये चिट बटन लगा दिया है इस पर ऑन ऑफ के लिए। और फ्रेंड्स यहाँ मैंने इसमें एक साइड में वन साइड छेद कर दिया है, आप देख सकते हो यहाँ छेद कर से दिया है। और अब इसको फ्रेंड्स यहाँ मेरे को कुछ इस टाइप से सेट करना है, तो इसको भी मैं यहाँ सेट कर देता हूँ। और दूसरा जो बटन है बटन को मुझे यहाँ पर ग्लू गन से इसको चिपकाना है। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ये सेटिंग करके फिर आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ मैंने आप देख सकते हो बटन लगा दिया है और यहाँ हमारा सर्किट है। और यहाँ आप देख सकते हो फ्रेंड्स कोई सा भी
आप देख सकते हैं कोई से भी हमारा ऑन नहीं हो रहा है। लेकिन फ्रेंड जैसे ही हम ये जो बटन है ऑन करेंगे, हमारा जो सर्किट है ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हो, यहाँ आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारा जो सर्किट है ऑन हो गया है और जो हमारा ये जो टाइमर है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और आप अब मैं फ्रेंड्स इसको यहीं पे इसको पैक कर देता हूँ, यहाँ वायर्स को थोड़ा सा देखते हुए, यहाँ थोड़ा सा ये साफ करके लगा देता हूँ। और यहाँ आप देख सकते हो फ्रेंड्स बहुत अच्छे से पैक हो गया है। नहीं, ये जो मीटर है उसको ऑटोमेटिक बना दिया है। अब ये फ्रेंड्स हमारा ऑटोमेटिक मीटर बन के रेडी है।